हाँ ये देखिए, ये है चिलर प्लांट का एरिया, यहीं से सप्लाई हो रहा है हमारी सारे बिल्डिंग में। काफ़ी बड़ा प्लांट है, आपको ये नज़र आ रहा है। देखिए इसको मैं साइड व्यू में दिखाऊंगा तो आपको ये शायद सारी चीज़ें क्लियर हो सके। नीचे का जो सेक्शन है, ये नीचे फ्लोर पे पंप लगा है हमारा सारा, इसके ऊपर फ्लोर पे हमारा चिलर है, उसके ऊपर फ्लोर पे हमारा सब सारे में कूलिंग टावर है। तो हम हर फ्लोर पे आपको अलग अलग इसको अटैच करके दिखाते हैं। देखिए ये देखिए, ये हमारा सबसे नीचे वाला फ्लोर है, ये पंप है, ये स्प्लिट केस पंप है आपका, साइड से सक्शन है और साइड से डिस्चार्ज है सारे में, देख रहे हैं। और ये आपके सब में वॉल्व्स, चेक वॉल्व्स, जो भी इसमें एसेसरीज लगनी थी वो लगी हुई है। और यही लाइन आपकी देखिए आ कहाँ से रही है, ये लाइन आपकी फिर चिलर तक जा रही है, ठीक है, यहाँ से हेडर से ये चिलर तक जा रही है। चिलर में भी आपके दो तरफ की लाइन है, एक आपके चिल वाटर सप्लाई, चिल वाटर रिटर्न, एक कंडेंसर वाटर सप्लाई और कंडेंसर वाटर रिटर्न, ये दो आपको चिलर में यहाँ से आपको शायद प्रॉपर यहाँ पर इसको मैं थोड़ा आर्किटेक्चर व्यू को मैकेनिकल व्यू में कन्वर्ट कर रहा हूँ कि आपको सारी चीज़ें दिखाई, देखिए दिखाता हूँ। ये व्यू में आपको इधर से दोनों चीज़ें दिख जाएंगी, चिलर का दोनों व्यू, क्योंकि ये चिलर है, एक चिल वाटर सप्लाई और चिल वाटर रिटर्न, और दूसरा कंडेंसर वाटर सप्लाई और कंडेंसर वाटर रिटर्न, देख रहे हैं। ये कूलिंग टावर तक जा रही है, ये ऊपर वाले फ्लोर पे आपका कूलिंग टावर रखा है। ये कई मतलब अलग अलग पार्ट में, ये एक तरफ कूलिंग टावर इस चिलर प्लांट के लिए है, फिर इस तरफ जो इंस्टॉलेशन है ये है, फिर एक साइड में यहाँ इंस्टॉलेशन है। तो सब में आपको मैं फ्लोर वाइज अगर दिखाऊँ तो देखिए, बेसमेंट में आ जाता हूँ सबसे पहले। ये देखिए पंप रखा है, पंप में ये आपकी हेडर लाइन आ रही है, ये आपका, और ये ऊपर से आ रहा है, यहाँ पर ये सक्शन है, ये डिस्चार्ज, ठीक है। फिर इसका लाइन, इसकी लाइन यहाँ से एक लाइन आपकी ये है, ये कनेक्शन है, ये वाली लाइन कहीं ऊपर जा रही है, देखिए यहाँ से बेंड है, और इसके बाद ये दूसरे तरफ का सेक्शन है, और जो हमें नज़र नहीं आ रहा आपको यहाँ दिख जा रहा है, कंडेंसर पंप है और ये सेकेंडरी पंप है, और ऊपर होगा एक तरफ प्राइमरी पंप, ठीक है। ये तीन पंप हमने यूज़ किया है। इस लाइन को अगर हम पूरे को ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से 3D में देखते हैं तो हमें इतना सा सेक्शन दिखेगा सिर्फ, तो ये हमें काफ़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। इसको आर्किटेक्चर व्यू में कर लेते हैं, ये ग्राउंड फ्लोर है हमारा, ये वाला पंप जो है हमारा, ये पंप है हमारा प्राइमरी पंप, एक पंप है आपका प्राइमरी है और एक है कंडेंसर पंप, और ये है आपका प्राइमरी और सेकेंडरी। तो हम आपको ये सारे व्यूज को क्लियर दिखा देते हैं। एक तरफ से सक्शन डिस्चार्ज ये हेडर लाइन पे आया, ये देखिए ये ऊपर जाके कूलिंग टावर से सप्लाई आ रहा है, कंडेंसर पंप में ये सप्लाई है, यहाँ से सक्शन हुआ, डिस्चार्ज हुआ, फिर ये रिटर्न होके वापस यहाँ से कूलिंग टावर में आ जा रहा है, ठीक है। कूलिंग टावर का व्यू अभी आइडा, दूसरी तरफ से कूलिंग टावर सा जो एक कनेक्शन होता है, एक तो फिर चिलर में होता है, ठीक है। फिर चिलर लाइन है, कंडेंसर जो चिलर से कंडेंसर से आउट होता है वो भी कूलिंग टावर तक जाता है, तो ये कनेक्शन चिलर से है। आपको मैं एक इसका छोटा सा और प्लांट है जो कि रैबिट में बना हुआ है, लेकिन उसकी फाइल मुझे खोलनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी, मैं उसको आपको ऑटोकैड पे समझा देता हूँ कि कहाँ से कौन सा व्यू किस तरह से जाता है। बहरहाल अभी मुझे रैबिट का रिव्यू देना था, रैबिट के ऊपर वीडियो बनानी थी, तो यहाँ पर आपको इसी पे मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें सर्विसेज। देखने में थोड़ा टिपिकल लग रहा है, लेकिन जब हम इसे बनाएंगे तो थोड़ा
वो वन टू वन वो यूज़ होता चला जाता है। हम आ जाते हैं अपने 3D व्यू पे। ये हमारा 3D, ये सब हमारा कूलिंग टावर लगा है। एक सप्लाई, एक रिटर्न। यहाँ से ये जो जा रहा है चिल वाटर, कंडेंसर वाटर सप्लाई और कंडेंसर वाटर रिटर्न। तो मैं इस वीडियो को भी ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा, आपको देख के समझ में आ गया। सारी सर्विसेज मुझे दिखानी थी इस पे कि असल ये प्लांट पे हम सेट कैसे करते हैं। ये